आजकल फोन में बैटरी बहुत कम चल रही है, पर क्या करें, इंस्टाग्राम देखे बिना चलता नहीं है। और इंस्टाग्राम देखना हो तो ब्राइटनेस तो आपको फुल ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे लोग वायरल हो चुके हैं जो कम ब्राइटनेस में दिखते ही नहीं है। तो फिर चलो कर लो अपने फोन की ब्राइटनेस फुल। अबे यार प्रेशर को भी अभी आना था, सॉरी हो यार 2 मिनट में आता हूँ। अरे ये व्हाइट कपड़े किधर चल के जा रहे हैं, पक्का है कोई चुड़ैल लग रही है। अरे सॉरी यार मैं ब्राइटनेस फुल करना भूल गया था। मेरा ही जल। अबे मैं तो इसे अभी फ्लश करके आया था, साला वापिस कैसे आ गया? अरे भाई तू जलवा कम, जला हुआ हलवा ज्यादा लग रहा है। और चल अब अंधेरा होने से पहले घर चला जा, यहाँ बच्चे रहते हैं, देख लेंगे तो डर जाएंगे। और आज तुझे कलम को ठोकने को बोला था, ऐसे ठोकते हैं? ए भाऊ तेरा ये गणित है ना अपने दिमाग में नहीं बैठता है। देख उसने अपुन को बोला, अपुन ने ठोक डाला साले को। ये दुनिया भर का टेंशन अपुन क्यों पाले? अबे साले ऐसे ठोकना था ऐसे नहीं। पर तुझे इस धंधे में रहना हो ना तो ऐसे ठोकना सीख ले। ऐसे ठोकना और ठुकवाना इस धंधे में नहीं चलता। ये तेरे नवाब ही शौक छोड़ दे और तुझे मैं ईंटों की भट्टी में से लाया और मेरे सामने मच मच कर रहा है। अब कुछ बोला ना तो वापिस भेज दूंगा। चल अब टेबल साफ कर और जल्दी से निकल। खुद के दम पे चलना पड़ता है मेरी जान, लोगों की गुलामी करके नाम नहीं बनता। हाँ अगर घर ही जा रहे हो तो रास्ते में से लक्स साबुन और फेयर एंड लवली लेते जाना। पहले लक्स साबुन से अच्छे से ना लेना और बाद में फेयर एंड लवली लगा देना, ताकि घर वालों को पता चले कि तू घर पे आ गया है। लेकिन एक सेकंड, इस पे फेयर एंड लवली काम करेगा? कोई बात नहीं, रुको एक मिनट में फेयर एंड लवली के कस्टमर केयर में बात करके देखता हूँ। हेलो सर जी, मैंने आपने एक फोटो भेजी है, वो देख कर बताओ कि कितनी फेयर एंड लवली लगाने के बाद ये व्हाइट होगा। अबे सर जी वो व्हाइट कपड़े नहीं, आप अपने फोन की ब्राइटनेस बढ़ा के अच्छे से देखो तभी दिखेगा। साले ने काट दिया। कोई बात नहीं फिर से लगाता हूँ। हैं साले ने स्विच ऑफ कर दिया, बता नहीं देते कि मुझे ना हो पाएगा। मैं बोलता हूँ गवाह चाहिए ना तुझे, गवाह खुद चल के आएगा तेरे। अबे सालो गवाह को छोड़ो और जल्दी से कहीं सुख जाओ, म्युनिसिपैलिटी वाले आ रहे हैं सुअर को पकड़ने। मां कसम। अबे मां कसम वाली, तू तो सभी एंगल से सुअर लगता है, इसको तो सुअर की टट्टी समझ के भी छोड़ देंगे, लेकिन तुझे तो देख लिया तो गया समझ ले। तुम सब छोटे मोटे केस में अंदर हो जाओ, जेल में रहो, माहौल ठीक नहीं है। सही बात है, माहौल तो ठीक नहीं है। कल से वो भट्टी वाला बोल रहा है कि वो कोयले कहाँ है, मुझे ईटे बनानी है। बस इसीलिए तुझे बोल रहा हूँ, तू अपना मुंह ठीक कर ले, माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। और भैया आप? अरे भाई का टेंशन मत ले, अभी अंधेरा होने वाला है, भाई अपने आप गायब हो जाएंगे, माहौल ठीक करेंगे। अब आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेला नहीं है, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत है। असम से भाई ये लोग इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं जैसे पाकिस्तान में भूख मरी। ये लोग पूरा दिन इंस्टाग्राम पे परेशान करते हैं और इसके झुलवा भाई सभी लड़कों को सुबह जल्दी खड़े होकर परेशान करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं ब्रो, कुछ आ गया मेरे पैर के नीचे। ओह ये तो तुम्हारा एटीट्यूड है। ब्रो कुछ आ गया मेरे पैर के नीचे। ओ, ये तो कुत्ते की टट्टी है। सुल्तान, सारा शहर तो हम लोगों में बांट दिया, खुद के लिए क्या? वैसे तो पूरा बंबई मेरा है और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं। मुंबई का बादशाह कम, पट्टिकोंडम का अच्छा ज्यादा लग रहा है। अजय देवगन ने वीडियो देखकर विमल थूकना बंद कर दिया, उसे नहीं पता था उसके थूक से ऐसे लोग पैदा होते हैं। लगता है पठान को इसकी सुपारी देनी ही पड़ेगी। इधर क्यों बुला? इधर नहीं बुलाता तो कहाँ बुलाता? तेरा घर पठान के निशाने पर है, हमारे सारे अड्डे पठान के निशाने पर है। सुबह से हमारे 4 लड़कों को ठोक चुका है वो। अरे मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि मैं इन लोगों को ऐसे ठोकने को बोल रहा हूँ, ये लोग ऐसे क्यों ठोक रहे हैं? पहले मुझे ये बता कि तू पठान के पास से सीखा है या फिर पठान तेरे पास है, या फिर तुम दोनों एक दूसरे की ठोक कर सीखे हो? सालो तुम्हारा ठोकने का तरीका थोड़ा सेक्सुअल है। पठान अपने 4 लड़कों को ठोक सकता है लेकिन मेरे नाम की सुपारी निकालने का गूदा नहीं उसमें। लगता है अब तेरी सुपारी किसी और को देनी पड़ेगी। तो हेलो भाई, मैंने एक फोटो भेजी है, उसकी सुपारी देनी है। हाँ भाई मुझे मालूम है कि आप सिर्फ इंसानों की ही सुपारी लेते हैं। अरे हाँ भाई मुझे ये भी मालूम है कि जानवरों को मारने से एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सजा होती है, पर भाई इसमें एनिमल का बीच में आए। अरे भाई ये सिर्फ दिखता है गोरिल्ला, हकीकत में नहीं है। हाँ भाई मैं मानता हूँ कि ये दिखता है गोरिल्ला की तरह, पर है नहीं, मम्मी कसम है इंसान ये गोरिल्ला नहीं है। अरे अरे भाई भाई सुनो, अरे यार इसको कौन समझाया? गजब बेइज्जती है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं।
ट्रेन वहीं से शुरू होती है। हो गया तेरा, चल अब घर जा, राशन खत्म हो गया और कल जाइए तो सुबह जल्दी आ जाना। अरे यार कोई संजू बाबा को समझाओ कि कभी कभी हमने अंडरवेयर में देखे, ये साला उधर से बाहर आ गया है और इधर इंस्टाग्राम में तहलका मचा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और तू ये नाक में उंगली करना बंद कर दे, जब भी तेरी वीडियो आती है तब आस पास के सूरे गुफा समझ कर इधर आ जाते हैं। आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, रहने का, बहुत करने का पास। तो फकिंग नहीं करो, चप्पल समझ। अंडरवेयर को छोड़ के। अबे अजय देवगन की कैंसर की पिचकारी से पैदा हुई बोला, तू कहाँ से अंडरवेयर लाया वो बता पहले। और तू खुद संजय दत्त की फटी हुई अंडरवेयर से निकला हुआ चूहा लगता है। पर कोई बात नहीं, अब तू लाया ये तो पहले डीलक साफ कर और पहन ले। अरे भाई मम्मी कसम है, इंसान नहीं है, गोरिल्ला है। बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मात्र मनोरंजन के लिए थी, तो जिसको जितनी भी भड़ास निकालनी है वो कमेंट में निकाल दो और भूल जाओ।